गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम प्रिया। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मीशो ट्राई ऑन हॉल वीडियो। इस वीडियो में हम एक नाइट सूट मैंने ऑर्डर किया है, मैंने एक कुर्ता सेट ऑर्डर किया, एक शॉर्ट कुर्ती ऑर्डर किया, कुछ ज्वेलरी पीसेस का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट्स का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी, ये आफ्टर वॉश्ड है, मतलब वॉश करने के बाद इनकी क्या सिचुएशन है और क्या ये जैसे मुझे रिसीव हुए थे वैसे ही है या नहीं है, इस सब के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। कुछ मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे रिसीव हुए थे तो काफी अच्छी सिचुएशन में थे, लेकिन आफ्टर यूज उनकी सिचुएशन एकदम मतलब वर्थलेस हो गया है। मुझे लगता है मेरा पैसा बर्बाद हो गया, सच में कहीं और से परचेज कर लेती। तो चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यस, अगर आप चाहते हैं, आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड पेज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑर्डर मैं रिव्यू किया, पहले मैं इसी कुर्ती का रिव्यू करती हूँ। ये है एक ब्लैक कलर की, मीशो की से मैंने कुर्ती ऑर्डर की थी। ये शॉर्ट कुर्ती है, आप ट्राई ऑन हॉल में देख सकते हैं। इस कुर्ती को मैंने वियर किया है व्हाइट लेगिंग के साथ, ठीक है। आप चाहे तो इसे अपनी किसी भी ब्लू डेनिम के साथ भी, इसको जींस के साथ भी आराम से कैरी कर सकते हैं, और मुझे जनरली कैजुअल लुक ज्यादा पसंद है तो मैंने पॉनीटेल वहां पे रखी है। आज की जितनी भी वीडियो में आप मेरे प्रोडक्ट वीडियोस देखेंगे, सॉरी, आज आप जितनी भी मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने हेयर स्टाइल में कुछ भी अपने बालों में किसी भी तरीके का केमिकल यूज नहीं किया। आफ्टर हेयर वॉश मेरे बाल थोड़े से कर्ली और थोड़े से फ्रिजी हो जाते हैं, तो उसी में मैंने यहाँ पे इसी तरीके का लुक दिखाया, क्योंकि जनरली हम बाहर ऐसे ही जाते हैं, ठीक है। मैंने पॉनीटेल बांधी है। वर्क की अगर मैं बात करूं तो इस पे पैच वर्क है, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि इस पे वर्क पूरा अंदर से सिलाई है, नहीं, ये इस पे पैच वर्क ऊपर से लगाया गया है। सेम इसकी स्लीव्स पे भी वर्क लगाया गया है और इसके नीचे भी आप देखेंगे वर्क है। यहाँ पे एक टाइप करने के लिए छोटा सा नॉट दिया गया सो दैट आपकी फिटिंग की ये कुर्ती आ जाए। ओवरऑल ये कुर्ती को मतलब मैंने अब से 3 से 4 बार मैं पहन चुकी हूँ और काफी मैंने वॉश भी किया है। आफ्टर वॉश इसमें मतलब कोई भी मुझे ऐसा अभी तक प्रॉब्लम नहीं फेस करी है मैंने कि हाँ मतलब मेरे पैसे वेस्ट हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फैब्रिक है इसका जॉर्जेट के फैब्रिक में ही मुझे रिसीव हुई है, तो मेरे लिए मतलब मुझे ये कुर्ती काफी अच्छी लगी है। मुझे इस तरीके की कुर्ती काफी पसंद है। देखिए, जब मैंने ना मीशो से प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे तब में और अब में प्राइस में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये ब्लैक कुर्ती जब मैंने ऑर्डर की थी तो मुझे 515 रुपए की मिली थी, लेकिन अभी ये आपको सिर्फ 343 रुपीज में मिल जाएगी। मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है सारी डिटेल्स, 343 रुपीज में आपको ये कुर्ती अभी मिल जाएगी। मेरा साइज है एम, मीडियम में मैंने ये ऑर्डर किया था, और इसका प्रोडक्ट कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शोर होगा, तो आप इस कुर्ती को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से मतलब हाँ है कि हाँ इसे परचेज कर सकते हैं, आफ्टर वॉश में रिव्यू शेयर करें। नेक्स्ट है ये हमारा क्यूट सा नाइट सूट। ये नाइट सूट मैंने ऑर्डर किया है मीशो से, ठीक है। ये साटन फैब्रिक में है और आप देख सकते हैं इसपे टेडी बियर, क्यूट क्यूट से टेडी बियर बने हुए, ये इसके इस तरीके के बटन इसमें दिए हुए, जो कि इसकी स्लीव्स भी मुझे बहुत प्यारी लगी। फुल स्लीव्स का ये नाइट सूट है। इस तरीके के नाइट सूट अगर आप घर में पहनते हैं तो मतलब मुझे बहुत क्यूट क्यूट फीलिंग देते हैं, और आप मार्केट में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत ही प्यारा मतलब मुझे ये नाइट सूट मीशो से लगा। ये तो मतलब जनरली मैं डेली ही इसको लगभग पहन रही हूँ, काफी मैंने वॉश किया है, आफ्टर वॉश भी इसका कुछ नहीं गया है, मतलब आराम से पहनो, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि मुझे पहनने में प्रॉब्लम होती है। हाँ देखिए, कुछ जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी है, साटन का फैब्रिक बिकॉज इसका है तो थोड़ा सा इश्यू रहता है, पर अगर आप पूरे दिन एसी में रहते हैं या बाहर ऐसे नहीं जाना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम इस नाइट सूट में नहीं आने वाली है। और ये इसका पजामा भी मतलब काफी अच्छा है। इसको मैंने ऑर्डर किया था एक्सेल साइज में। एक्सेल में ऑर्डर करने का रीजन क्या था, पहले मैंने इसे मीडियम में ऑर्डर किया था लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं आया था, बहुत टाइट आया था। देन आई रियलाइज कि नाइट सूट थोड़े लूज भी होने चाहिए, देन मैंने इसे एक्सेल साइज में ऑर्डर किया था। जब मैंने इस नाइट सूट को ऑर्डर किया था तब ये मुझे मिला था 661 रुपीज में, अभी ये 564 रुपीज में आपको मिल जाएगा। काफी ज्यादा मतलब प्राइस में डिफरेंस आ चुका है, 1.5-2 महीने के अंदर, 1.5-2 महीने हो गए मुझे प्रोडक्ट ऑर्डर किए हुए।
बिकॉज मुझे यूज करना था, फिर देन आफ्टर दैट मुझे आपसे रिव्यू शेयर करना था। तो 564 रुपए में आपको मिला है। इसमें काफी सारे कलर्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं। मुझे तो ये पर्सनली नाइट सूट बहुत ही प्यारा लगा और ये मेरा काफी फेवरेट है। एंड फॉर श्योर मैं मीशो से और भी क्यूट क्यूट से नाइट सूट ऑर्डर करने वाली हूँ, ठीक है। और साइज मेरा एक्सेल है, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, मतलब ये सूट मुझे बहुत ही ज्यादा समर वाइब्स देता है और इतना प्यारा सूट लगता है। एकदम सिंपल एंड सोबर सूट है ये, और ये है ये ग्रीन कलर का सूट। जब ये सूट मैं ऑर्डर कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मीशो से ना फैब्रिक बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा और मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए, मुझे बिल्कुल सच में ऐसा लग रहा था। बट मैंने ऑर्डर किया इस सूट को, मैंने 2 बार वॉश किया है, ठीक है। एकदम प्लेन सूट है, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है सूट में, एकदम प्लेन ये सूट है, अनारकली सूट है। थोड़ा इसमें घेर थोड़ा सा कम है, इसका गला थोड़ा सा गोल गला है एंड कट स्लीव्स है। ऑफ शोल्डर ये आपका जो है सूट है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सूट को। अब इसकी पैंट की मैं बात करूं तो ये है इसकी पैंट, पैंट भी एकदम सेम इन्होंने कलर में दी है, ठीक है, पैंट भी सेम है, पैंट में भी कुछ ऐसा डिजाइन नहीं है, ठीक है। बट इसकी पैंट का कलर और सूट के कलर में आई डोंट नो कि अभी कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोनों के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। सूट का कलर थोड़ा ब्राइट है लेकिन पैंट का कलर थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा येलोइश फैब्रिक में ज्यादा आ रहा। अभी रिंग लाइट की वजह से ये इस फैब्रिक में ज्यादा दिख रहा है। ट्राई ऑन हॉल वीडियो देखिए। सबसे जो प्यारी बात है इस सूट की वो है इस सूट का दुपट्टा। ये जो लहरिया प्रिंट का दुपट्टा है ना, मतलब सूट एकदम प्लेन है, कुछ उसमें नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका दुपट्टा आप देखिए, ठीक है। और ये सूट मैं 2 बार अब तक वॉश कर चुकी हूं, ठीक है। दुपट्टा इसका बहुत ही प्यारा है, सिर्फ दुपट्टे के ये टेसल्स इस पे दिए हुए हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एंडिंग पे 2-2 टेसल्स इस तरीके के दिए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इस सूट को मेरा परचेज करने का रीजन यही था इसका दुपट्टा। और येलो कलर में है और रेड कलर में ये सूट अवेलेबल है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। मैंने इसे अभी जस्ट ट्राई ऑन हॉल में नॉर्मल कैरी किया, लेकिन आप इसमें बीच में एक बेल्ट भी लगा सकते हैं, उससे भी इसका लुक काफी इनहेंस हो जाता है और ये सूट बहुत ही प्यारा लगता है। ये सूट मैंने जब परचेज किया था 866 रुपीज में मैंने परचेज किया था, अब ये थोड़ा महंगा हो गया है, मतलब थोड़ा 5-6 रुपए का अंतर है। अब ये सूट हो गया 871 रुपीज में, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, हर प्रोडक्ट में ना 1-1.5 महीने में डिफरेंस आ जाता है और मीशो पे सेल भी चलती रहती है और थोड़ा बहुत प्राइस में ऊपर नीचे हो जाता है। और सूट का जो साइज है वो है एम, ठीक है, एम साइज मैंने ऑर्डर किया था। तो देखिए अभी तक कपड़ों की मैं बात करूं तो कपड़ों में मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, फर्स्ट टाइम मेरी मीशो से जो है मैंने ऑर्डर प्लेस किए थे। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी में मैंने ऑर्डर प्लेस किए थे 2 मैंने पेंडेंट ऑर्डर किए थे, जो कि मतलब काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर देखने में पेंडेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेंडेंट, ये 3 इसमें चैन दी हुई है इस तरीके की, ये इस तरीके का मैंने पेंडेंट ऑर्डर किया था, गोल्डन चैन में है। तो ये पेंडेंट मैंने यूज बहुत कम किया है, तो इसके कलर में अभी तक थोड़ा थोड़ा इसका जो कलर है वो फेड हो चुका है, ठीक है, जो कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूं क्योंकि मैंने एक ही बार यूज किया है तो इसका कलर इतना ज्यादा फेड हो चुका है। और इसको मैंने मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए पहना था, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा देर के लिए मैंने इसे पहना है पेंडेंट को, बहुत थोड़ी देर के लिए पहना और इसका कलर अभी फेड होना शुरू हो गया। नेक्स्ट मैंने एक और पेंडेंट ऑर्डर किया था, जो कि मतलब पूरे दिन मैं आउटिंग पे बाहर गई हुई थी तो पूरे दिन की आउटिंग के लिए मैंने सिर्फ कुछ घंटों के लिए पहना था, और इसका कलर तो मतलब मैं तो इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ क्योंकि सारा कलर इसका उतर गया। और प्राइस में अगर मैं बात करूं, देखिए प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज मीशो ने नहीं किया है, ये मुझे ये थोड़ा ना फंस गए हैं तो मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। ऊपर ये स्टार है और एक नीचे ये इस तरीके का चैन इनमें दिया हुआ है, सॉरी ये थोड़ा सा फंस चुका है। कलर आप देखिए, ठीक है, पूरा इस चैन का जो कलर है वो पूरा उतर चुका है। तो मतलब मैं इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ मीशो से ज्वेलरी के मामले में, तो मीशो पे ज्वेलरी के लेकर मेरा ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, मतलब इसका लुक ही चेंज हो गया। आप इमेज में देखिए, पिक्चर में कि कितना सुंदर दिख रहा था ना, आफ्टर डिलीवरी यूज करने के बाद इसका ये हाल है।
तो इसमें तो मैं कुछ ज्यादा खुश नहीं हूँ। ये पेंडेंट मुझे मिला था 191 रुपीज में, ठीक है, एक पीस। अब ये 202 रुपए का मिल रहा है, तो मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपको मीशो से अभी ज्वेलरी में कुछ ट्राई करना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मे बी मैं आगे कुछ और ट्राई करके देखूंगी कि क्या पता इयररिंग्स या कुछ बहुत सुंदर मुझे मिल जाए, लेकिन अभी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं मीशो से मैंने कुछ होम डेकोर के प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा कैसा उनके साथ अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो और मेरे एफर्ट्स आप लोगों को थोड़े भी अच्छे लगे हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप मुझे दे सकते हैं। इस सारी मीशो की हॉल वीडियो में मैंने आफ्टर वॉश करने के बाद, आफ्टर यूज करने के बाद आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।